सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम विद्युत शक्ति को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत शक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो सामान्यतः जो नॉर्मली हम इसकी परिभाषा लेते हैं तो कहते हैं कि कार्य करने की दर, यानी कि कार्य करने की जो दर रहती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही सामान्यतः जो है वो विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे लेने वाले हैं कि कार्य करने की दर को जो है विद्युत शक्ति किस प्रकार से कहते हैं। जब भी दर शब्द आता है, दर का अर्थ क्या होता है, जब भी शब्द आता है दर, दर का अर्थ ये होता है कि टी जो है वो अपॉन में जाएगा, कभी भी किसी भी फॉर्मूले में आएगा, चाहे वो आवेश प्रवाह की दर हो। हमने एक विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब टी वहाँ पे अपॉन में आया था और आवेश ऊपर आया था, यानी कि क्यू अपॉन टी जो था वो यहाँ पे आई के बराबर था, तो आई बराबर आया था क्यू अपॉन टी, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसी प्रकार से कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को भी विद्युत शक्ति कहते हैं। तो कार्य आएगा ऊपर, कार्य ऊपर आएगा, करने की दर मतलब नीचे आएगा। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और P बराबर हो जाएगा W अपॉन T। बहुत ही आसानी से हो गया, P बराबर W अपॉन T, यानी कि विद्युत शक्ति, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये तो हो गया इसका नॉर्मली सूत्र। इस सूत्र को अगर विद्युत शक्ति के रूप में अपने को रूपांतरित करना है तो हमें W का मान यहाँ पे रखना होगा। W क्या होता है, कार्य होता है। सामान्यतः जब कार्य को परिभाषित किया जाता है विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो हम जानते हैं कि जब कभी चालक तार में या किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अगर कोई विशुद्ध प्रतिरोध लिया है हमने, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो वहाँ पर जो कार्य होगा वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कार्य या ऊष्मा जो होती है वो यहाँ से वी मल्टीप्लाई क्यू रहता है, वी मल्टीप्लाई क्यू, जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी। वी क्या है दोस्तों, वी समझिएगा, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, बहुत ही सिंपल नियम, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि जब चालक के ताप दाब क्षेत्रफल आदि, ताप दाब अन्य जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी अगर स्थिर रहे तो उस कंडीशन के अंदर V जो विभवांतर है वो समानुपाती होता I के, यानी कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। इसके आगे ओम जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया था, ओम का नियम, इन्होंने बताया था कि विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब होता है, जब ताप दाब क्षेत्रफल और भी कई भौतिक राशियां स्थिर होती हैं तब। जब इन्होंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो वहां पे इन्होंने कांस्टेंट रखा, एक स्थिरांक रखा, एक नियतांक रखा, और वो नियतांक था आर। तो वी बराबर यहां से उन्होंने निकाला था आर आई, या उन्होंने कहा वी बराबर आई आर, वी बराबर उन्होंने कह दिया था आई आर। तो यहां पे हमने क्या किया है, वी मल्टीप्लाई क्यू ही तो किया है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से V का मान हम IR रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आसानी से रख सकते हैं। तो V का मान हमने यहाँ से रख दिया IR। इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ से क्यों, देखिए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जब इसका पक्षांतरण करते हैं तो I का मल्टीप्लाई T से हो जाएगा, I मल्टीप्लाई T बराबर हो जाता है क्यू के। तो यहाँ पे आगे वाला पद ही तो क्यू है, इस Q का मान है IT, तो IT का मान हम यहां से इस प्रकार रख देते हैं, IR हो गया, IR मल्टीप्लाई IT, दो बार I आ रहा है, यानी कि I मल्टीप्लाई I आई स्क्वायर, तो यहां से हो गया आई स्क्वायर, और ये R है और ये स्मॉल t है, तो यहां से वर्क W बराबर आ गया आई स्क्वायर RT। यहां पर जो ये W है ये मैंने कहा था ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है, तो यहां पे H होगा आई स्क्वायर RT। बहुत ही आसानी से हमने ये वाली चीज क्लियर कर दी। अगर अपन यहां से नहीं करते हैं, इसको इतना ही सरल करते हैं कि V मल्टीप्लाई Q, केवल हम Q का मान रखते हैं तो आता है VIT, केवल Q का मान रखने पर हमें VIT प्राप्त होता है। तो हमने इतनी चीजें ज्ञात की, यहां से मैं ये चीजें क्लियर कर रहा हूं।
तो ध्यान से देखिएगा, P बराबर W अपॉन T है, माना कि मैंने W की जगह रख दिया VIT, ध्यान से देखिएगा कि W की जगह हमने रखा VIT, अपॉन में T है, यहां से आप देख सकते हो कि T से T कैंसिल हो गया, तो यहां से P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया VI, तो ये है विद्युत शक्ति। इसके आगे की बात करें तो यहां से ये शब्द भी रहता है, अगर मैं W को ये रखता हूं तो P बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, अपॉन में रखना है T को, क्योंकि T मतलब दर, दर मतलब जो समय होगा वो बटों में आएगा, यहां से भी T से T कट रहा है और यहां से बसेगा आई स्क्वायर आर, तो यहां से जो आपका P है पावर है वो आई स्क्वायर आर हो जाती है। तो बिल्कुल आसानी से यहां से पावर के दो सूत्र, जो विद्युत शक्ति के दो सूत्र आसानी से मिल जाते हैं कि P बराबर VI या P बराबर I स्क्वायर R, बहुत ही आसानी से हमने ये सूत्र स्थापित कर दिए। या तो आप ये वाला रख दीजिए या आप ये वाला रख सकते हो, तो दोनों तरीके से मैंने विद्युत शक्ति के फॉर्मूले का निर्माण आपको समझा दिया। इसके बाद हम सीधे चलते हैं आगे इसके मात्रक के बारे में, तो ये आप नोट कर दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद जो है हम इसका मात्रक लिखेंगे कि विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक जो पावर होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हम इसी फॉर्मूले से क्रिएट करेंगे, पावर, पावर यानी शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, पावर यानी होता है शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा जूल, क्योंकि हमारे पास दो राशियां हैं कार्य और जूल, कार्य और ऊर्जा, सॉरी कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक जो रहता है वो हमेशा जूल रहता है। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको याद रखना है कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसी प्रकार से शक्ति का मात्रक आप निकाल लीजिए, कार्य का मात्रक मैंने यहाँ रखा जूल, समय का मात्रक आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सेकंड होता है, तो जूल बटे सेकंड जो है वो हमारे शक्ति का मात्रक आ गया आराम से। इसके आगे हम चलते हैं, शक्ति के मात्रक के हो जाने के बाद शक्ति का मात्रक छोटा और बड़ा भी होता है, तो जूल बटे सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सामान्य परिभाषा में मैं बताऊंगा कि जूल अपॉन सेकंड जो है वो वाट के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये वाट किसके बराबर होता है, तो ये वाट होता है जूल अपॉन सेकंड के। इसके आगे कई बड़े मात्रक भी होते हैं शक्ति के, बड़े मात्रक कैसे, मैंने कहा कि एक किलोवाट, ये बड़ा मात्रक है, एक किलोवाट का अर्थ क्या होता है, एक किलोवाट का अर्थ होता है 1000 वाट, क्योंकि हम सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, और सामान्य बोलचाल में भी हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार से आपने ये भी आप जानकारी रख लीजिए कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है तो ये मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एक अश्व शक्ति जिसे कहते हैं हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यहाँ पे ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कॉम्पिटिशन लेवल में और भी अन्य एग्जाम्स के अंदर। तो एक अश्व शक्ति में कुल मिला के 747 वाट होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन लेवल के लिए और अन्य जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो ये तो हमारा नॉर्मली हो गया 746 वाट इन 1 हॉर्स पावर। इसके बाद हम आगे का एक प्रश्न लेते हैं और विद्युत शक्ति को कर देते हैं फिनिश। एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्नों में, मैं लिखवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट में, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले आप कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या, 1 किलोवाट घंटा में
जूल की संख्या कितनी होती है? ये आपको प्रश्न है और इसको आपको इसका आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से अभी करवाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, दो तीन चीज़ों पे फोकस करना है। किलोवाट पे फोकस कर दो और आवर पे फोकस कर दो। किलोवाट का मतलब क्या हुआ? किलोवाट, एक किलोग्राम में 1000 वाट, मैंने पहले बताया था, आप आसानी से समझ लीजिए। यहाँ से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कि 1 किलोवाट में यहाँ से हो जाएंगे 1000 वाट। मैंने शक्ति के दो मात्रक बताए थे, आप इसे 1000 वाट भी लिख सकते हो। इसका एक और मात्रक होता है 1000 जूल बटे सेकेंड। ये मैंने पहले भी मात्रक लिखा था, क्योंकि ये कार्य का मात्रक है और ये समय का मात्रक है, तो कार्य बटे समय ही तो शक्ति होता है। तो 1000 बटे 1000 जूल अपॉन सेकेंड। तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1000 जूल बटे सेकेंड। इसके बाद इंपॉर्टेंट जानकारी क्या होगी, मल्टीप्लाई में आवर आ रहा है, घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट। तो यहां से मैंने लिख दिया 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड, तो यहां से मैंने कर दिए 60 से मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई किसमें आ जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्यूशन करूंगा तो आसानी से इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो रहा है। अगर आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 1000 गुणा 60 गुणा 60 जूल हो जाता है। अगर 60 का गुणा 60 से करेंगे तो उत्तर आएगा 3600। तो 1000 गुणा 3600 ये भी रहेगा जूल में। इसके बाद यहाँ से मैं 36 यहाँ ले लेता हूँ और गुणा कर देता हूँ 10 की पावर में जितने बिंदु आएंगे लिखना है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 10 की पावर आ गई 5, यानी कि 36 गुणा 10 की पावर 5 यहाँ से लिख दिया। अगर मैं यहाँ से और इसका सॉल्यूशन करता हूँ और इसको सरल करता हूँ तो यहाँ से बनेगा 3.6 × 10⁶, और ये अपना उत्तर रहेगा जूल के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ से हमारा आंसर रहेगा 3.6 × 10⁶ जूल जो है वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो हमारे दोस्तों थी विद्युत शक्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और आप अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाने में सहायता करें। अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हो, आप पसंद कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।